नमस्कार, आपके साथ मैं ज्योति मिश्रा पर्सेंजा लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं आयुषी महर्षि। 392 तहसील, 60 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव ढाणी चौपाल हर कस्बे की खबर दिखाएंगे। 392 तहसील में क्या घटा एक घंटे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन, खबरा 392 तहसील में। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। सीकर में दुष्कर्म की शिकार पीड़िता एक महीने से न्याय की गुहार के लिए भटक रही है। 20 सितंबर को पीड़िता ने मामला दर्ज कराया, लेकिन अभी तक न्याय उसे नहीं मिला। इस दौरान सदर थाना और SC ST सेल ने भी जांच की, लेकिन आरोपी को अभी तक खुलेआम घूमता देखा जा रहा है। भीमसेना के संस्थापक अनिल तिड़िया ने भी प्रभारी मंत्री को ज्ञापन देकर इस मामले में त्वरित कार्रवाई कराने की मांग की। कठुवर में 2 दिवसीय महंगाई राहत कैंप के प्रथम दिन लाभार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया, तो वहीं महिलाओं और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन की अलग व्यवस्था की गई। उपकरण अधिकारी लाखन सिंह गुर्जर ने आमजन को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। कठुवर से हरिद्वार में गंगा स्नान पर्व के लिए 60 सदस्यों का यात्री दल रवाना हुआ। बुजुर्ग महिला पुरुष श्रद्धालुओं के दल को गंगा दशहरा के अवसर पर हरिद्वार में गंगा स्नान के साथ 3 दिवस में 3 तीर्थ स्थानों का भ्रमण कराया जाएगा। कठुवर उपखंड के ग्राम पंचायत दांतिया में महंगाई राहत कैंप में विधायक बाबूलाल बैरवा ने उचित निरीक्षण किया और साथ ही लाभार्थियों को सरकार की जन कल्याणकारी की 10 योजनाओं की जानकारी दी गई। चौकसूप तहसील उपजिला अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में विधायक वेद प्रकाश सोलंकी मुख्य अतिथि रहे और वहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया। सरकार द्वारा चलाए जा रहे महंगाई राहत शिविर रजिस्ट्रेशन करवाकर सरकार की योजनाओं का लाभ लेने की अपील। खेड़ली के गांव दांतिया में मुख्यमंत्री महंगाई राहत शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इसमें कठुवर विधायक बाबूलाल बैरवा ने लोगों को शिविर की योजनाओं के बारे में जानकारी दी और गारंटी कार्ड वितरित किए गए। ग्रामीणों की समस्याओं को भी उन्होंने मौके पर सुना। सूरजगढ़ में एक 44 वर्षीय व्यक्ति की मारपीट से मौत का मामला सामने आया। इसके मृदुल कछावा के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई कर मामले की जांच में 3 लोगों को डिटेन किया। बीडी के अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया है। मृतक के परिजनों ने मामचंद अजय सहित अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दी। चोमू नगर पालिका क्षेत्र के लोगों को अब बिजली के कम वोल्टेज मिलने वाली समस्या से निजात मिलने वाली है। 33 KV के 2 सब स्टेशन बनकर तैयार हो गए हैं, जिनका पिछले कई दिनों से शहर के लोगों को इंतजार था। 15 जुलाई तक शुरू किया जाएगा उन्हें और इनके माध्यम से शहर में बिजली आपूर्ति की जाएगी। अलवर के ग्राम सिहाली के विद्यालय में भमरशाह मान सिंह चौहान और ओमपाल सिंह चौहान के द्वारा माता स्वर्गीय ओमकंवर की स्मृति में मां सरस्वती की मूर्ति स्थापना की गई, जिसका उद्घाटन समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वर्चुअल तौर पर किया। इसमें मुख्य अतिथि देवी सिंह शेखावत, विशिष्ट अतिथि रेखा राठौर और अध्यक्षता कर्नल परमार रहे। साथ ही श्री राजपूत कणी सेना जयपुर ग्रामीण के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह पुजोता का स्वागत किया गया। अलवर के कठुमर में पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग से गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ। पुष्पेंद्र पुत्र निरंजन जाटव और कठुमर थाना क्षेत्र के गंजपुरा गांव का नाबालिग लड़के ने इस घटना को अंजाम दिया। खेड़ली CHC पर पीड़ित का मेडिकल हुआ। कठुमर CO ने जांच शुरू कर दी। खेड़थल में नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव विजेंद्र सिंह महलावत का पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जयप्रकाश एजाऊ के कार्यालय पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष विक्रम चौधरी, पार्षद पवन वासु, अशोक आदि ने सभी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति भी वहां पर। खेड़थल में लायंस क्लब खेड़थल मंडी के नीव वर्तमान अध्यक्ष अभिषेक गोयल को नियुक्त किया गया। क्लब अध्यक्ष एडवोकेट भानु प्रकाश अग्रवाल ने बताया है कि लायंस क्लब प्राप्त 3233E1 के रीजन 10 के रीजन चेयरमैन के रूप में कार्यशैली को देखते हुए अभिषेक गोयल को रीजन चेयरमैन पद पर मनोनीत किया गया। किशनगढ़ बास में हनुमान मंदिर के स्थापना दिवस पर मंदिर कमेटी ने रामायण पाठ और भंडारे का आयोजन किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक रामहीर सिंह यादव सहित अन्य लोगों ने आयोजन में शामिल होकर भंडारे में प्रसादी ग्रहण की। विशेष अधिकारी दूदू को सांभर जिला बनाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपकर सांभर फुलेरा क्षेत्र को दूदू जिले में सम्मिलित करने की आपत्ति जताई गई। सांभर जिला बनाओ संघर्ष समिति के संयोजक वेग शर्मा के नेतृत्व में विशेषाधिकार आर्थिक शुक्ला ने ज्ञापन सौंपकर सांभर फुलेरा क्षेत्र को दूदू जिले में सम्मिलित करने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए जयपुर जिले में रहने की मांग की। सागरी में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय में निर्वाचित पदाधिकारियों का माला और सापा पहनाकर स्वागत किया। पवन पांडे ने बताया कि मिलकर सभी को साथ लेकर काम किया जाएगा।
लॉयंस क्लब खेरतल मंडी के अध्यक्ष लॉयन एडवोकेट भानु प्रकाश अग्रवाल ने बताया है कि लॉयंस क्लब प्रांत 3233 ई ए के गवर्नर लॉयन ओम प्रकाश गगड़ ने लॉयन डॉक्टर रिंकू मेहता को आगामी वर्ष 2023-24 के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी गेट पद पर मनोनीत किया है। चलिए रुक करते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों का। जोधपुर में तेज आंधी और बाद में बारिश का दौर शुरू हुआ। लगभग एक घंटे तक शहरी और ग्रामीण इलाकों में जमकर बरसात। जोधपुर के देवीगढ़ में भारती महाराज की समाधि पर रोज भक्तों की भीड़ उमड़ती रहती है और ऐसे में रेतीले धोरों के बीच में स्थित इस मंदिर का गौरवमय इतिहास है। मंदिर का मनमोहक दृश्य देखकर गदगद हो जाते हैं भक्त। महादेव की भक्ति के साथ ही ऊंट पालक देव से अटूट विश्वास रखते हैं। देसरू के गोजवाड़ में भगवान श्री द्वारकाधीश मंदिर की 3 दिवसीय प्रांत प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में ऐतिहासिक नगरी घाणेराव में रावणा राजपूत समाज ने इसका आयोजन किया। इस दौरान समाज सहित 36 कौम की सैकड़ों भक्तों ने कलश यात्रा में हिस्सा लिया। जोधपुर के तिवरी मानवाधिकार न्याय सुरक्षा परिषद नई दिल्ली की ओर से जोधपुर समारोह सीजन 4 का आयोजन किया गया, जिसमें तिवरी के अध्यापक श्रवण सिंह राजपुरोहित को जोधपुर रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देसुरी सहित क्षेत्रों में घाणेराव सादड़ी नाजोल नारनाई सहित आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाओं का दौर शुरू हुआ, जिसमें हल्की बरसात के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं दिन भर चलती रही। संदड़ी स्टेशन में ग्राम पंचायत की लापरवाही के चलते गंदे पानी की निकासी का उचित समाधान नहीं हो रहा। हर बार लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी साफ सफाई व्यवस्थित ढंग से नहीं हो रही। पानी की निकासी नहीं होने से गंदा पानी सड़कों के दोनों तरफ देखा जा सकता है। ग्रामीण कई बार ग्राम पंचायत को गंदे पानी की शिकायत की, लेकिन निस्तारण नहीं हो पाया। बाड़मेर जिले में रेतीले तूफान के साथ बारिश में जमकर तबाही मचाई है। जिले के ज्यादातर हिस्सों में बरसात हुई, जगह पर कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई। तूफान ने डिस्कॉम के बिजली के पोल को भी नुकसान पहुंचाया। बाबा रामदेव सेवा समिति और मेघवाल समाज मायलावास द्वारा युवा कांग्रेस सिवाना से नव निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष धीरज गुर्जर का कांग्रेस नेता शंकरलाल मेघवाल ने सापा पहनाकर और बधाई के साथ में आशीर्वाद भी दिया। गुर्जर ने यूथ कांग्रेस के संगठन की मजबूती और सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए कटिबद्धता जाहिर की। समदड़ी थाना क्षेत्र के महेश नगर में दो आपसी पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट का मामला समदड़ी थाने में दर्ज हुआ। दोनों पक्षों के मामले दर्ज हुए। एक पक्ष पर दूसरे पक्ष में लाठियां और सरियों से जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज करवाया। इस हमले में एक महिला के साथ 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। पुलिस ने दोनों पक्षों के मामले दर्ज कर मामले की जाँच शुरू की। समदड़ी सिवाना स्टेट हाईवे 66 नंबर पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा, तो वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और चलिए अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में खेतों में गंदे पानी की निकासी से 22 बीघा फसल बर्बाद हो गई। समाजसेवी हरजीत गिल खेतों में 2 ट्यूबवेल्स के मोटर फिल्टर में भी गंदा पानी चले जाने से करीब 1.5 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा। जैसलमेर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सूरतगढ़ शाखा नहर पर बने अधिकतर पुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जिस पर विभाग ने मानेवाला के क्षतिग्रस्त पुल के शीघ्र निर्माण का आश्वासन ग्रामीणों को दिया। श्रीगंगानगर के 7 FDM में तेज आंधी की वजह से बबूल का पेड़ ट्रैक्टर पर गिर गया। गांव में गौवंश के लिए बने 3 शेड भी उड़ गए। ग्रामीणों को तेज आंधी की वजह से फसलों पर भी नुकसान पहुंचा। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर निवासी सूरज वाधवानी का यूपीएससी में 725वीं रैंक के साथ चयन हुआ। पोते के लिए यूपीएससी का सपना देख रहे दादा लाहौरी मल सपना पूरा हुआ, लेकिन उनके देहांत के बाद परिवार ने ढोल नगाड़ों और रंगुलाल उड़ाकर सूरज का जोरदार स्वागत किया। सरदार शहर ग्रामीण क्षेत्र से 8 दल पैदल रवाना हुए। सरदार शहर कृषि उपज मंडी में विश्राम वो करेंगे। चूरू के लिए इसके बाद पैदल मार्च करेंगे। इसके बाद 2 जून को किसान चूरू कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। अपने विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन घेराव करने वाले। जैसलमेर के भड़ियाणा में फलसून पुलिस ने अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जिसमें 3 टोला सहित 1 JCB जब्त की गई। मौके से 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया, तो वहीं अवैध खनन कार्रवाई में परिवहन और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा दर्ज किया गया।
नोहर में महेश नवमी के अवसर पर माहेश्वरी समाज में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज की विभिन्न प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें बच्चों और महिलाओं ने हिस्सा लिया। प्रतापगढ़ के पीपलखुर कस्बे में चोरों ने दो मकानों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की नकदी और जेवरात पर हाथ साफ किया। वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। बांसवाड़ा में सदर थाना क्षेत्र के तलवाड़ा गांव में जंपर ने कार को चपेट में लिया। एक ही परिवार के सात लोग घायल हुए। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट करवाए गए। राजसमंद जिले के कांकरोली थाना क्षेत्र में स्थित राजसमंद झील में डूबे बालक की शनाख्ती की गई, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा। जानकारी के मुताबिक सोमवार दोपहर में करीब 8 साल का एक बालक राजसमंद झील में नहाते समय डूब गया था। परिजनों की शनाख्ती करने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंपा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजसमंद के वैकल्पिक विवाद निस्तारण केंद्र संख्या 1 पर प्रकरण में मध्यस्थता के माध्यम से निस्तारण उसका किया गया। जमीनी विवाद के एक प्रकरण मध्यस्थता वार्ता हेतु एडीआर सेंटर में प्रेषित किया गया। राजसमंद में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग में नव नियुक्त ग्राम विकास अधिकारी के 15 दिवसीय प्रशिक्षण की शुरुआत हुई, जो राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय राजसमंद में हुई। प्रशिक्षण के पहले सत्र में 95% ग्राम विकास अधिकारियों ने भाग लिया। समारोह के मुख्य अतिथि राहुल जैन रहे। प्रतापगढ़ के दीपेश्वर तालाब में मिले अज्ञात शव की शिनाख्त हो चुकी है। गंगापुर सिटी से पहुंचे मृतक के बेटे ने जिला चिकित्सालय की मोर्चे में पहुंचकर शव की शिनाख्त की। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सपोर्ट किया। डूंगरपुर जिले के बेरोजगार युवाओं ने रीट भर्ती 2022 में लेवल सेकंड की टीएसपी क्षेत्र में पद बढ़ाने की मांग को लेकर सागवाड़ा में कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष दिनेश खोड़निया के कार्यालय पर प्रदर्शन किया, तो वहीं अध्यक्ष खोड़निया से मुलाकात करते हुए सीएम के नाम पर ज्ञापन भी सौंपा गया। चित्तौड़गढ़ में जीआरपी थाना पुलिस ने शातिर अपराधी को तेज धारदार चाकू सहित गिरफ्तार किया। जीआरपी थाना पुलिस आरोपी का रिकॉर्ड अब खंगाल रही है। आरोपी को पुलिस एसी जेएम रेलवे कोर्ट अजमेर में पेश करेगी। चित्तौड़गढ़ के कपासन में नरेगा में काम करने गई महिला श्रमिक की कार्यस्थल पर मौत हो गई। 83 वर्षीय चांदीबाई को निजी वैन से कपासन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मृतक के पुत्र कैलाश चंद्र वैष्णव ने कपासन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। राजसमंद जिला भाजपा कार्यालय में 7 फीट लंबा धामन सांप आने से हड़कंप मचा। भाजपा कार्यालय का गार्ड विनु राजन इसकी जानकारी उच्च नेताओं को उसने पहुंचकर दी, जिस पर भाजपा के कार्यालय पर नेता पहुंचे और स्नेक कैचर नवीन गहलोत से संपर्क कर जिला भाजपा कार्यालय उसको बुलाया गया। इसके बाद स्नेक कैचर ने अपने साथियों के साथ सांप का रेस्क्यू कर उसको पकड़ लिया। चित्तौड़गढ़ के डुंगला में 12वीं कक्षा में पास हुए छात्र का जोरदार सम्मान हुआ। लक्ष्मीपुरा निवासी दुर्गेश बावरी ने डुंगला उपखंड में टॉप किया। 12वीं बोर्ड परीक्षा में दुर्गेश ने 91% अंक प्राप्त किया और ऐसे में दुर्गेश बावरी का सामाजिक कार्यकर्ताओं शंकरलाल मेघवाल के नेतृत्व में स्वागत किया गया। भादसोड़ा के बदेसर में एसडीएम मोनिका सामोर की उपस्थिति में महंगाई राहत कैंप का आयोजन हुआ। इस दौरान शिविर में लाभार्थियों को गारंटी कार्ड का वितरण किया। इस दौरान भादसोड़ा सरपंच शंभुलाल सिद्धार्थ सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। चित्तौड़गढ़ के बेगू में बानोड़ा बालाजी में श्री रामकृष्ण कल की शक्ति महायज्ञ आयोजित हो रहा है। महायज्ञ में लगातार श्रद्धा का सैलाब देखने को मिला। ज्वार पंजाब के बैंड ने श्रद्धालुओं को मंत्र मुक्त कर दिया। 1206 कुंडीय श्री राम कृष्ण कल्कि शक्ति महायज्ञ में यजमानों ने आहुति दी। चित्तौड़गढ़ के अकोला में लगाए गए महंगाई राहत कैंप में लाभार्थियों का जबरदस्त रिस्पांस मिला। कैंप में पहले ही दिन सरकार की विभिन्न योजनाओं में 400 से अधिक पंजीयन कराए गए। इस दौरान तहसीलदार अंकित कुमार सावरिया सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। चित्तौड़गढ़ में आरपीएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की गई। चित्तौड़गढ़ के 6 डिप्टी एसपी का तबादला हुआ। 3 डिप्टी एसपी के तबादले से भरे पद जबकि 4 पद खाली रहे। रावत भाटा के नए डिप्टी एसपी होंगे प्रभुलाल कुमावत। वहीं गंगराल के डिप्टी एसपी भवानी सिंह राठौड़ को डिप्टी एसपी सीआईडी एएसबी उदयपुर लगाया गया। डूंगरपुर के सरकारी स्कूल में कुछ युवकों ने शराब पार्टी का विरोध करने पर सरपंच से मारपीट की और जातिगत रूप से अपमानित किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। तो करेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों का। तालेड़ा थाना क्षेत्र के बड़गांव बावड़ी निवासी सामरा भील पुत्र रामदेव भील ने तालेड़ा थाने में 2 आरोपियों के खिलाफ पेड़ से बांधकर मारपीट करने और अभद्र भाषा जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का मामला दर्ज करवाया।
केशवरायपाटन क्षेत्र के रोटेदा कस्बे में गंगा दशमी के अवसर पर भारतीय किसान संघ के तत्वावधान में चंबल नदी पर चुनरी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान संघ के पदाधिकारी चंबल तट पर पहुंचे, विशेष पूजा अर्चना कर करीब 51 मीटर लंबी चुनरी चंबल नदी को भेंट की। लाडपुरा में विधायक कल्पना देवी खेल महोत्सव की तैयारी कर रही हैं। विधायक ने ग्राम पंचायत सहित कैथून नगर का दौरा किया और साथ ही में ग्रामीण क्रिकेट टीमों को क्रिकेट किट वितरित भी किए गए। विधायक ने अपने कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खबर 392 की। खानपुर में सीएम गहलोत ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ राजस्थान में महंगाई राहत शिविर का ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजन किया। शिविर में मुख्य अतिथि पीसीसी सदस्य सुरेश गुर्जर ने 1381 लाभार्थियों का पंजीकरण कर राज्य सरकार की 18 योजनाओं की गारंटी कार्ड उन्हें सौंपे। बूंदी के तालाब गांव स्थित गौशाला में पंचकुंड रुद्र महायज्ञ के पूर्णाहुति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महाआरती के साथ में महायज्ञ का समापन होगा। महायज्ञ के पूर्णाहुति में राजस्थान सहित अन्य राज्यों के साधु भी पहुंचे। झलवाड़ के सुवास गांव में हुकुमचंद भील के हत्या के फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गत 25 मई को हुई हत्या के आरोपी करण सिंह को रायपुर पुलिस ने ललायती टोल नाके से गिरफ्तार किया। इस हत्या में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी और पूछताछ के लिए आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। नैनवा के एसबीआई बैंक से दो युवकों ने एक महिला से 50,000 रुपए लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बैंक पहुंची। वारदात करने वाले दोनों युवक बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। बूंदी के जोहारिया गांव में महादेव के परिसर में युवक का शव मिले से सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा, साथ ही मामले की जांच शुरू की। झालावाड़ के मनोहर थाना के महेश्वरी समाज ने महेश जयंती पर शोभा यात्रा निकाली। अध्यक्ष श्रीराम शारदा ने बताया है कि ढोल के साथ भजन कीर्तन करते हुए प्रभात फेरी निकाली गई और उसके बाद प्राचीन किला परिसर में विभिन्न सांस्कृतिक आदि कार्यक्रम भी संपन्न हुए। कोटा की भीमगंज मंडी थाना पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी की वारदात का खुलासा किया, जिसमें दो चोरों को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर को बरामद किया। 12 मिनी सचिवालय सभागार में आवश्यक सेवाओं संबंधी साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने की, जिसमें कई अधिकारी मौजूद रहे। सीताबाड़ी में धार्मिक मेला अध्यक्ष विनोद चंदेल ने शाहबाद किशनगंज में सहरिया स्वांग का आयोजन रखा। स्थानीय सहरिया युवकों ने रंगमंच पर शानदार कलायुक्त प्रस्तुतियां दी। हजारों की संख्या में मेलार्थियों ने इस अद्भुत कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। कोटा में ऐतिहासिक सर्वधर्म निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में बंधुओं के ससुराल पक्ष और अपने हाथों से कन्यादान सामग्री भेंट की गई। जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया ने बताया है कि सम्मेलन में सभी धर्मों के 2,222 वर वधु परिणय बंधन में बंधे। बारा के मिनी सचिवालय सभागार में नरेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में जिला जल और स्वच्छता मिशन की बैठक का आयोजन। जिला कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के प्रयासों से हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए कार्यों की प्रगति लाने के निर्देश। बारा के कस्बा थाना में कब्रिस्तान भूमि के लिए मुस्लिम समाज के दो पक्षों के विवाद को सुलझाने के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और इसके साथ ही ऐसे फैसले की मांग की जिससे दोनों पक्षों में समझौता हो सके और भाईचारा बना रहे। झालावाड़ के पिड़ावा सोयत कला मार्ग पर लगे ढाबे के पीछे स्थित जंगल में युवक का शव मिले से सनसनी फैल गई। शव के पास में एक बाइक भी मिली। पुलिस ने बताया कि शव की शिनाख्त समीप के गुराडिया गांव निवासी विष्णु लांगी के रूप में हुई। झालावाड़ के बोलियाबारी गांव में खेल मैदान के पास खून से सनी हुई एक युवक की लाश मिली और ऐसे में युवक के शरीर पर धारदार हथियार से वार के निशान भी मिले। घटना की सूचना के बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक की शिनाख्ती में जुटी। बारा में ग्राम अनोतिया में टूटी पुलिया को बारिश से पूर्व ठीक कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पुलिया में डाली गई ग्रेवल बह जाने की वजह से रास्ते बंद होने पर ग्रामवासियों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे किसानों को और ज्यादा आर्थिक और मानसिक क्षति हुई। झालावाड़ जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने जिला अस्पताल को औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने सबसे पहले कैंसर अस्पताल के भवन के निर्माण कार्य को देखा और कार्य को लेकर मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए गए। झालावाड़ की खानपुर पंचायत समिति साधारण सभा की बैठक प्रधान शिला शर्मा के आतिथ्य में आयोजित की गई, जिसमें जल ग्रहण विभाग की 12 करोड़ की डीपीआर के प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित किए गए। एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाले जिन विभागों की अनुपस्थित रही वहां पर उन्हें निंदा प्रस्ताव लेकर नोटिस देने के निर्देश दिए। रामगंज मंडी में लगे महंगाई राहत और प्रशासन गांव के संक्षेवर में अचानक आई तेज आंधी और बारिश से सारी व्यवस्था बिगड़ गई। तेज हवा और बारिश से सभी सुरक्षित जगह तलाशते नजर आए।
चलिए रुक करते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरों का। कुचामन सिटी शहर की सिकर रोड स्थित माँ गायत्री मंदिर से गायत्री जयंती महोत्सव के तहत श्री आदि गोड़ विप्र समाज समिति द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे के साथ शहर के विभिन्न मार्गों में भ्रमण करने के बाद गौड़ भवन हॉस्पिटल रोड पर पहुंचकर यात्रा समाप्त हुई। नगर के विभिन्न स्थानों पर भारत विकास परिषद सर्व ब्राह्मण समाज सहित विभिन्न संगठनों द्वारा छतों से पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा का स्वागत किया गया। नागौर जिले की सदर थाना पुलिस ने चारसार से फरार चल रहे एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी को सदर पुलिस ने एमपी के मंदसौर से गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस ने पहले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। टोंक में राजस्थान सरकार के महंगाई राहत कैंप के जिला प्रभारी संदीप वर्मा निवाई के दौरे पर रहे। ग्रामीण क्षेत्र में लगे महंगाई राहत कैंपों का निरीक्षण किया गया। वहीं राहतगढ़ की व्यवस्थाओं को देखकर जिला प्रभारी संतुष्ट हुए और साथ ही कहा कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लिया जाए। बीरता सिटी में माहेश्वरी समाज ने श्री महेश जयंती पर भव्य शोभायात्रा निकाली। पुष्प वर्षा करके भव्य स्वागत किया। जयंती पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मिर्दा उपखंड के गांव मोकलपुर में महंगाई राहत कैंप में पंजीयन किया, तो वहीं ब्लॉक के 31 कलाकारों का पंजीयन किया गया, जिसमें राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी के महबूब अली ने फॉर्म जमा किया। एसडीएम तहसीलदार वीडियो सहित सभी की उपस्थिति में फॉर्म जमा किए गए। लाडू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अजमेर यात्रा प्रवास को लेकर के रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि का विप्र बंधुओं ने स्वागत सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया। विप्र फाउंडेशन के जिला उपाध्यक्ष जगदीश पारी के नेतृत्व में हुआ। इस मौके पर सर्व ब्राह्मण समाज के लोग उपस्थित रहे। ब्यावर शहर के एसडी कॉलेज में आए दिन पार्किंग को लेकर पार्किंग ठेकेदार और विद्यार्थियों के बीच होने वाले विवाद को लेकर एसडी कॉलेज छात्र संघ और एबीवीपी के पदाधिकारियों ने प्राचार्य को एक ज्ञापन दिया। एसडी कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में महाविद्यालय के पार्किंग टेंडर को निरस्त कर विद्यार्थियों के लिए पार्किंग मुक्त करने की मांग की गई। ब्यावर के जिला कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारियों ने विशेषाधिकारी रोहिताज सिंह तोमर से मुलाकात की। इस दौरान उपस्थित पदाधिकारियों ने तोमर को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। ब्यावर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 31 मई को अजमेर आगमन और मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी के आशापुरा माता तथा महाराणा प्रताप मंडल की ओर से सेवा कार्यों का शुभारंभ किया गया। नागौर के लाडू में 31 मई को अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारी बैठक का आयोजन हुआ। प्रवक्ता राजेंद्र सिंह ढोलिया ने बताया कि बैठक में अलग अलग कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष गजेंद्र ओढ़ीत और पदाधिकारी उपस्थित रहे। ब्यावर के जवाजा थाना पुलिस ने 6 महीने पूर्व एक नाबालिग को भगा ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया था और साथ ही गुमशुदा नाबालिग को भी डिटेन किया गया था। थाना अधिकारी मानवेंद्र सिंह ने बताया है कि शिकायत में पीड़िता ने सारणपाली निवासी महेंद्र सिंह पुत्र राम सिंह रावत ने शक जाहिर किया था। भीलवाड़ा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का विरोध प्रदर्शन, लव जिहाद को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में 2 दिन पूर्व लव जिहाद में नाबालिग किशोरी की थी हत्या। मिर्जा सिटी में पूर्व विधायक रामचंद्र जालोड़ा ने इंदावर क्षेत्र का दौरा कर ग्रामीणों से रूबरू हुए। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग से वोल्टेज कम मिलने की समस्या को प्रमुखता से उठाया, जिस पर पूर्व विधायक रामचंद्र जारूड़ा ने विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों से मौके पर ही टेलीफोन पर वार्ता कर शीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया। लियाबाजी उपखंड मुख्यालय पर बजायली पंचायत में महंगाई राहत शिविर में दूसरे दिन उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा और विकास अधिकारी भागीरथ ने लाभार्थी छोटी देवी को एक साथ 9 योजनाओं में पंजीकरण कर गारंटी कार्ड सौंपे। डीडवाना में पहलवानों के आंदोलन के समर्थन में युवाओं ने प्रदर्शन किया। डीडवाना में अनेक युवा संगठनों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। और चलिए अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। धौलपुर के महाराणा प्रताप खेल मैदान में बेगा ट्रेड फेयर मेले में चोरी का मामला सामने आया। पीड़ित दुकानदार भूदेव शर्मा ने बताया कि चोरों ने सेंध लगाकर घटना को अंजाम दिया, जिसमें एंड्रॉइड मोबाइल सहित दुकान का कुछ सामान लेकर पार हो गए और दुकानदारों ने पुलिस चौकी में रिपोर्ट। उपखंड बोली के ग्राम हथडोली में लीज धारक के विरुद्ध ग्रामीण लाभबंद नजर आए। दर्जनों ग्रामीण खनन स्थल पर पहुंचे और लीज धारक पर अवैध बजरी खनन का आरोप लगाया गया। ग्रामीणों ने चरागाह भूमि पर अवैध बजरी खनन की शिकायत करते हुए आक्रोश जताया और खनन रोक जाने की मांग की। गंगापुर सिटी में पंचकुई वाले बालाजी मंदिर परिसर में 21 कुंडीय श्रीराम महायज्ञ और भागवत कथा का आयोजन किया गया। यज्ञ और भागवत कथा में दिनभर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर ने भी यज्ञ में शिरकत की।
बोली थाना पर 9वीं क्लास की छात्रा से छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ। एसएचओ हरवंत सिंह रंधावा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने छेड़छाड़ और मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई है। बहरहाल पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की तहकीकात शुरू कर दी। धौलपुर में अवैध चंबल बजरी की रोकथाम को लेकर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले शहीद महेंद्र सिंह की 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने तस्वीर पर माला पहनाकर दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए। बोली में अवैध बजरी परिवहन पर मित्रपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने दत्तवास रोड पर छापेमारी कार्रवाई में अवैध बजरी परिवहन में 3 पिकअप जब्त की, तो वहीं मित्रपुरा थाना पर MMDR एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। सेपो में मैक्सो टेम्पो में भिड़ंत से टेम्पो चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। फिलहाल चिकित्सकों ने घायल की स्थिति को गंभीर बताया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। मलारना डूंगर उपखंड मुख्यालय से ग्रामीणों ने हाजिरों का जत्था रवाना किया। ग्रामीणों ने हाजियों का माला पहना कर सम्मान किया, तो वहीं हाजियों का जत्था जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से सऊदी अरब के मदीना के लिए रवाना हुआ। सेपो थाना पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा किया। एसआई फतेह सिंह के निर्देशन में वारदात में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद जेल भेजा गया। सेपो के एक दिन पूर्व ग्रामीणों ने महंगाई राहत शिविर के दौरान तहसीलदार देवेंद्र तिवारी को जल भराव की समस्या से अवगत करवाया, जिसमें तहसीलदार ने लोगों की समस्याओं पर गंभीरता दिखाते हुए जेसीबी से सड़क के दोनों ओर नालों की खुदाई कराई और इससे लोगों को जल भराव की समस्या से बड़ी राहत मिली। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के गांव जाटोली में कुएं पर पानी भरते समय हादसा हुआ, जिसमें 25 साल का युवक कुएं से पानी खींचते समय संतुलन बिगड़ने से गिर गया। युवक की मौत हो गई।